हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और 3 दिनों से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि गला बहुत ज़्यादा मेरा बैठा हुआ था। मेरे गले से ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। इस वजह से क्या है कि मैं वीडियो बना नहीं रही थी क्योंकि बिल्कुल बोल ही नहीं पा रही थी मैं। तो इसी वजह से ना मैंने 2 दिन का रेस्ट ले लिया और स्कूल भी जा रही थी तो टाइम नहीं मिल रहा था। और आज सुबह ही सुबह अभी बज रहे हैं शायद 5:15 या 5:30। और जय तो नहा भी लिए, मेरा आधा खाना बन चुका है और अभी बैठकर मैं चाय पी रही हूँ और एक टोस्ट लूँगी चाय के साथ। क्योंकि मैं अगर प्लेन चाय लेती हूँ ना तो मुझे चाय से गैस बनने लगती है, तो वो गैस ना हो उसके लिए मैंने बस एक टोस्ट लिया है ड्राई वाला, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं खाऊँगी। और उसके बाद फिर से लग जाऊँगी मैं अपने कामों में। और आज सुबह उठ के मैंने सारा काम समेट लिया ना, इतना रिलैक्स था ना मेरे माइंड में भी मेरी बॉडी में भी। और कहते हैं ना कि जल्दी उठ जाओ तो काम सही हो जाते हैं, तो 5:30 की जगह आज मैं 5 बजे उठी और आधे घंटे से ये जो आधा घंटा मुझे एक्स्ट्रा मिला ना इससे मेरे इतने काम बन गए ना कि मेरा मूड बहुत हैप्पी था सुबह सुबह। काम कर नहीं दुल्हन की तरह देखेंगे। मैं वॉक करके आ गई बाहर तक, आज गर्म पानी पी लिया, बाहर तक वॉक करके आ गई, ऊपर चले गई, गार्डन साफ कराई, पेड़ों में पानी दिया, ऊपर लाइट बंद करके आई, कपड़े लेकर आई नीचे, और ब्रश कर लिया, सब्जी बना ली, चाय बना ली लेकिन फोन स्विच ऑफ था नहीं तो वीडियो शूट कर ली थी। बाहर का धोखे आ गई गली का। खाना बन गया? खाना नहीं बना होगा। सब्जी बन गई, आटा लग गया, घी नहीं बना। कितने बजे जगी थी भैया? आ जा 5 बजे से। मैंने आलस नहीं किया, सीधे बेड पर सो रही, काम पे समझे क्यों बोल रही थी 5 बजे उठने का। रोज ऐसे जग जाएगा तो सो के सारा काम होता है, भागा दौड़ी नहीं, चिल्लम चिल्ली नहीं, उसको आज सुबह सुबह मेरा मूड इतना अच्छा था ना कि घर के कामों की वजह से ना मैं वॉक पे नहीं जाती थी। और आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गई, ज्यादा दूर तो नहीं गई लेकिन थोड़ी देर ही गई। जो सुबह की ताजी हवा होती है वो बॉडी में लगी, एकदम मूड फ्रेश सा हो गया बाहर निकल के। और बस ज़्यादा नहीं, बस 20 मिनट की मैंने वॉक ली, उसके बाद मैं सीधे घर आ गई और अपने कामों में लग गई। और जितने सारे मैंने काम बताए ना वो मैं कर भी चुकी हूँ। और अभी शायद ना 5:45 का टाइम हो रहा है, 5:45 पे मेरी सब्जी बन गई है। दूध रखा था रात का, वो मैंने गर्म नहीं किया था, वो भी मैंने गर्म करके रख लिया। और अभी मोलू के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, साथ में यहाँ पे मैं रोज ना पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो सब्जी मैंने आलू की बनाई है ना वो मैं ठंडी करने के लिए रख दूंगी ताकि जब मैं टिफिन में पैक करूँ तो सब्जी थोड़ी ठंडी हो जाए। क्योंकि एकदम गरम गरम खाना पैक कर दो ना तो उसमें अजीब सी है ना महक आ जाती है, प्लस क्या होता है बहुत पानी पानी छोड़ देता है खाना। और ये देखिए आपके भैया बिल्कुल रेडी हो चुके हैं नहा धोकर स्कूल जाने के लिए। और ये कुछ रात के राइस रखे थे तो उनको भी मैंने कढ़ाई में निकाल लिया और थोड़ा सा गर्म कर लूँगी तो बच्चे वगैरह खा लेंगे। मैं तो थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ राइस खाना, हालांकि मुझे राइस बहुत ज़्यादा पसंद है फिर भी। ये सारे काम मेरे अभी चल रहे हैं तो मैंने सोचा पहले किचन का काम कंप्लीट कर दूं, उसके बाद ना मोलू को नहला दूंगी, दूध पिला दूंगी। क्योंकि अगर मैं उसको बोलूंगी ना कि बेटा तू खुद से नहा ले तो वो फिर बहुत ज़्यादा लेट करेगा, वो खुद से नहाता नहीं है। और फिर छोटा भी तो है अभी, वो उसको इतना प्रॉपर तरीके से नहाना आता भी नहीं है। तो यहाँ पर ना मैं टिफिन बना के रेडी रख कर दूंगी सबके, आरू का, मोलू का, जय का। उसके बाद फिर मैं मोलू को लेकर जाऊंगी बाथरूम में, नहलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, फिर उसको रेडी करूंगी और दोनों बच्चों को छोड़कर आऊंगी स्कूल। तो यहाँ पर मैंने उनके टिफिन में रखे हैं आधा आधा एप्पल रख देती हूँ दोनों बच्चों को, सब्जी, पराठे या फिर रोटी, वो खाना चाहते हैं तो रोटी, बट आज मैंने घी के पराठे बनाए थे। तो ये था बच्चों का टिफिन, तो दोनों बच्चों का टिफिन यहाँ पर पैक हो चुका है। और मेरे दोनों बच्चों के ना लंच बॉक्स बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन फिर भी उनको पता होता है कि मेरा कौन सा है, आरू का कौन सा है। दोनों बच्चे खुद से अपना टिफिन है ना अपने बैग में रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाके टिफिन रख दिए, उसके बाद मैं मोलू को लेकर गई और मोलू को जाके मैंने नहलाया। और यहाँ पर आरू कर रही है मंदिर में पूजा। गुड मॉर्निंग मिठू, आरू कर रही है पूजा सुबह सुबह, नहा चुकी है, जल्दी कर ले, चल बेटा फिर तेरी 2 चोटी करनी है ठाकुर जी को।
सीधे पहना दे ऐसे गले में, बस ऐसे ही। हाँ बालों के ऊपर से पहना दे, ऐसे नहीं पहनते। ठीक है बालों के ऊपर से पहना दे फिर सूट हो जाएगी। देखिए ठाकुर जी का भी सुबह से स्नान हो गया, श्रृंगार भी हो रहा है, ये कर रही है हमारी बिटिया रानी। तब मैं अभी जल्दी जल्दी अपने कामों से फ्री हो जाऊं। तो दोनों बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ, उसके बाद मैंने आके इतने सारे बर्तनों को वॉश किया, उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ मैं प्लेटफॉर्म को क्लीन। तो जब भी स्कूल जाती हूँ ना उससे पहले ये दो काम तो मैं करती ही करती हूँ, बर्तनों को क्लीन करना और गैस और प्लेटफॉर्म को साफ करना। क्योंकि जब मैं स्कूल से लौट कर आती हूँ ना तो मुझे बस मेरे घर में ये दो चीज तो साफ चाहिए ही। ये किचन से तो हो गए हम फ्री, उसमें राइस रखे हुए हैं उसको मैंने अभी खाली नहीं किया। घर के काम से तो हो गई फ्री, अब मुझे नहाना है और रेडी होना है स्कूल के लिए। तो स्कूल जाने के लिए यहाँ पर मेरा लास्ट काम है अपने कपड़ों पे प्रेस करना। जय के कपड़े तो मैं सुबह ही प्रेस कर देती हूँ जब वो जाते हैं तब, क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं मिलता कि मैं बहुत सारे कपड़ों को प्रेस करूँ और उनको रखूँ। जब टाइम मिलता है तो कर भी देती हूँ, नहीं मिलता है तो सुबह सुबह एक जोड़ी करने में कहाँ टाइम लगता है, तो वो मैं फटाफट से कर देती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों पे घड़ी, और सुबह जो कपड़े मैं लेकर आई थी ना स्टैंड में से घड़ी करने के लिए, वो सारे देखिए बेड पे पड़े हुए हैं, लेकिन उनको मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं एक्स्ट्रा के काम करने बैठ जाऊँगी ना तो फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, और लेट में लेट मुझे 8:30 बजे तक तो पहुँचना ही होता है, फिर ज़्यादा लेट जाने से कोई मतलब नहीं होता। तो मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं अपने घर के कामों से फ्री होके स्कूल के लिए निकल जाऊँ। स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी और अचानक से है ना मेरे फोन में आरू के स्कूल से 5 फोन आए, मिस कॉल हुए, तो मैं एकदम घबरा गई। मैं जान गई कि डेफिनेटली कुछ हुआ है। तो देखिए क्या हुआ, आँख में लग गई, निकालो मुझे, आँख में लग गई, खड़े खड़े गिर गया बेंच के पास, और बेंच की जो किनारी होती है ना ये इसकी आँख में लगी, देखो लाल लाल उतर रहा है, खून निकल रहा था। तो मैंने यहाँ पे आके अभी बर्फ रखी है ठंडे पानी की, मैंने ठंडा पानी रखा है, थोड़ा सा मैंने आइस लगाई थी तो अभी सही है। ऐसे खींचो नहीं, खींचो नहीं, आंख पे सूजन आ गई है इसके काफी, तो मैं इसके ठंडे पानी से सिकाई कर रही हूँ। बर्फ रख दी ना तो बर्फ से सूजन बहुत जल्दी उतर गई है, खड़े खड़े गिर जाते हैं, पूरी आंख में सूजन आ रही है नीचे। इधर दिखाती हूँ अच्छे से, यहाँ चोट लगी है, ये ऊपर, ये पूरे में नीचे सूजन आ गई है इसके। एकदम से फोन आया, मैं नहा रही थी बाथरूम में, तब मैंने देखे तो 5 मिस कॉल, नहा के आके देखे तो लग गई मेरी गुड़िया को, स्माइल कर रहा है। ऐसे नहीं है, उनकी बहुत छोटी छोटी है, ये तो वैसी है ना, यहाँ पर तो गंदी होती रहती है, वो तो बहुत गंदी होती है, सब फिसलता है उसमें तो। वो टाइल्स के ऊपर रेत हो गई है ना बेटा, सफाई नहीं हुई होगी स्कूल में। हाँ, रेत हो जाती है हमेशा, फिसलता है, सूज वगैरह से हो जाती है गंदगी। आज मेरे मोलियों को छुपे छुपे चोट लगी, मैं एकदम से दौड़ी, मैं अभी आके रेडी हुई हूँ, मैं जल्दी से स्कूटी उठाई, मोलू को स्कूल से लेके आई, मोलू को पट्टी गली, अभी मेला बोले छाइए बच्चा के दर्दी बोले दर्दी बोली है। मिट्टू भी मैं वहाँ तैयार हो रही थी तो वो मेरे पास आके बैठ गया था, भूल गया छी हो जाए, छी हो जाएगा। आरू रोने लगी स्कूल में, तो मैंने कहा तू क्यों रो रही है, मैंने कहा ऐसे तो चोट लगती रहती है, छोटी छोटी चीजों में रोते नहीं है। फिर आरू रो रही थी, मैंने कहा जा तू स्कूल में पढ़ ले, क्यों आरू पढ़ रही है, इसको मैं लेकर आ गई। आरू भी रोने लगी, मैंने कहा रो मत बेटा, भाई को छोटी सी तो चोट लगी है, मैं ले जा रही हूँ, है ना। बच्चे इतने नाजुक होते हैं, थोड़ा सा भी लग जाए तो बस मम्मी याद आ जाती है ना, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो। इधर दे इधर दे इधर स्कूल सब में मम्मी याद आती है, मम्मी याद आती है। चलो अब यूनिफॉर्म चेंज कर लो और चलते हैं पापा के स्कूल। सुबह सुबह जितना मूड मेरा अच्छा था ना इतना ही मेरा मूड खराब हो गया, जैसे ही मुझे फोन आया और मैं भगी ने जब मैंने देखा कि मोलू की आंख के पास से खून निकल रहा है, सोच सकते हो कि क्या बीतती है माँ के ऊपर। फिर मैंने बिल्कुल भी है ना टाइम वेस्ट नहीं किया, मोलू को साथ ही साथ में अपने घर लेकर आ गई। और अभी तो फिलहाल उसको इतना दर्द नहीं था, लेकिन रात में उसको ज़्यादा दर्द होने लगा था, उसकी आंखें ना नीचे से बिल्कुल नीली हो चुकी है, तो ना
थोड़ा सा टेंशन है मुझे इस चीज़ का, लेकिन शुक्र है कि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी। और जब मुल्लू को चोट लगती है ना तो मेरा लाड़ थोड़ा सा उसके लिए और बढ़ जाता है। तो अभी उसके कपड़े चेंज कर लिए और अभी उसको लेके जाऊंगी मैं अपने स्कूल। तो कोई मुझे पूछ रहा था कि ना दी आपने जॉब करना स्टार्ट कर दिया है, तो नो डियर मैं कोई जॉब वॉब नहीं करती, ये स्कूल हमारा खुद का ही है और हम दोनों ही इस स्कूल के प्रिंसिपल ओनर, जो समझे आप समझ सकते हैं, हम दोनों ही हैं। तो जय सुबह जल्दी चले जाते हैं और मैं थोड़ा सा अपने घर के कामों को फिनिश करके तब जाती हूँ। और देखो अपनी चीज़ जो होती है ना, अपनी प्रॉपर्टी, जितना अच्छे से हम उसको मैनेज करेंगे ना इतना अच्छे से कोई नहीं करेगा। हालांकि स्कूल में टीचर्स भी हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है और मैनेजमेंट स्कूल का देखना पड़ता है। कोई अगर टीचर एब्सेंट होते हैं तो फिर उनकी जगह पे पढ़ाना भी पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्कूल का मैनेजमेंट कोई भी एक पर्सन अच्छे से नहीं संभाल सकता और मुझे स्कूल का मैनेजमेंट संभालने का ना अच्छा खासा वाला एक्सपीरियंस है, तो मैं ये सारे काम बहुत ही अच्छे से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जय का और मेरा टिफ़िन पैक कर लिया है और अपने लिए मैंने यहाँ पर रखे हैं एक एप्पल, क्योंकि मैं तो एप्पल ही खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और अब ये है दूसरा दिन, क्योंकि मोलू की तबीयत ठीक नहीं थी ना तो मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं की थी। और ये दूसरा दिन है, जय जा रहे हैं अपनी मम्मी को लेके फिर से मथुरा दिखाने के लिए। तो सुबह ही सुबह वो निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर भीड़ हो जाती है, तो सुबह ही सुबह नंबर लगता है। तो 8 बजे या 7:30 बजे तो वो घर से निकलना स्टार्ट कर ही देते हैं। तो इस बार वो लेकर गए अपनी मम्मी को हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई कि उनके जो जॉइंट्स खुल गए थे ना, जय की मम्मी के जो बैक बोन में प्रॉब्लम हुई थी, उनके जो स्पाइनल कॉर्ड थे ओपन हो गए थे ना, वो सारे फिर से जॉइंट हो गए, उनकी सारी हड्डियां रिकवर हो गई हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि इतनी जल्दी इलाज से वो इतनी जल्दी रिकवर हो गए हैं। डॉक्टर ने कह दिया है कि आप खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, इवन थोड़ा बहुत काम भी कर सकते हो, लेकिन वजन नहीं उठाना, झुकना नहीं है और ज़्यादा कुछ ऐसा हैवी का वर्क नहीं करना है। तो इस बार तो जैने काफ़ी अच्छी न्यूज़ सुनाई थी, बोले थे कि अब जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो आज उनको लेके जा रहे हैं और मैं यहीं अभी गेट पे खड़ी हूँ। और मेरी जिठानी की बेटी है ये, जो कि अभी आटा दे रही है, मांगने वाले आए हैं उनको, तो ये भी मेरी जिठानी की सबसे छोटी बेटी है। तो मैं तो भाई अपने गेट पे खड़ी रहती हूँ, जय लेकर जा रहे हैं उनको हॉस्पिटल। तो इस बार जो खबर थी मैंने सोचा ये भी बता दूं, क्योंकि जब उनकी तबीयत खराब थी तब भी मैंने आपको दिखाया था, अब वो रिकवर हो गए हैं तो भी दिखा रही हूँ। तो मुश्किल से मुश्किल 15-20 दिनों के अंदर ना मुझे लगता है कि वो ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन फिर देखते हैं। लेकिन हमारा जो यानी डॉक्टर ने जो बताया वो मैं आपसे कह रही हूँ कि 15-20 दिन के अंदर वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एकदम नॉर्मल काम करना तो भाई अभी पॉसिबल नहीं है, पर इतना है कि बेड छोड़ के आराम से बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत वॉक भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, बेड पे पड़े पड़े इंसान बोर हो जाता है ना, तो वो चीज़ हम इनकी लाइफ से थोड़ी बहुत खत्म हो जाएगी। तो ये रही गुड न्यूज़, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड, कल मिलते हैं। बाय बाय।